Good morning guys and welcome back to my channel. If you're new to this channel, hi, my name is Ashika and I'd be really happy if you take 1 minute and subscribe to my channel below. Today is the day. We are moving today. Matlab not moving. My flight is for 6th, which is my mom's birthday as well. Going for a small staycation for Unnati's birthday. So we will go out 3-4 ko bahar honge and 5-5 ko main wapas aungi. अगर मैं तब कराती पैकिंग मेरे पास टाइम नहीं होता बिल्कुल भी. सो आई एम डूइंग दिस टुडे. टुडे इज़ द सेकेंड. दिस रूम दैट यू सी बिहाइंड मी विद ऑल द कूड़ा कचरा दैट आई सॉर्टेड आउट यस्टरडे एंड माय बैक हर्ट्स. बाय द वे माय बैक हर्ट्स सो मच. मेरे को रात भर नींद नहीं आई है इसकी वजह से. एंड राइट नाउ इट्स ऑलमोस्ट 9 AM एंड आई थिंक द टीम इज़ ऑल्सो कमिंग अप इन अ वाइल. मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़. कल मैंने बैठ के ये पूरा खाली किया. सारे बैग्स ऑलमोस्ट 10 बैग में डाले हैं जो मुझे जिन जिनके थे. इनके 10 बैग्स हैं नहीं तो उसके नहीं डाले. अभी आपको कूड़ा लग रहा होगा बट ये बहुत मेरी पीठ दर्द इस सब ने कराई है गाइस. सारी ज्वेलरी सारा मेकअप सब कुछ इन बॉक्सेस है ताकि इजी टू पुट इन कार्टन हो. इट्स थोड़ा फ्रेश आया तो इसके लिए मुझे वो नहीं करना था ज़्यादा. समझ गया ना. आज सब कुछ चला जाएगा एक्सेप्ट माई बेड. मैट्रेस भी मैं भेज रही हूँ. बेड मैंने ओएल एक्सप्रेस लास्ट अपने रूम टूर में बताया था. मैंने ओएल एक्सप्रेस डाला था बट मुझे कुछ ऐसा कुछ रिस्पांस आया नहीं है. इस रूम में मैंने ये वार्डरोब रूम में मैंने अब तक कुछ नहीं किया. अलमारियों में बस सब सामान पड़ा है वो एज इट इज जाएगा बिकॉज कपड़ों की इतनी टेंशन नहीं होती और कपड़े एज इट इज कार्टन में चले जाते हैं. सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. मुझे मूविंग इतना बड़ा टास्क क्यों लग रहा है. होता ही है वैसे तो बट मुझे कुछ ज़्यादा ही नहीं होता. ऑल्सो इस व्लॉग में ना मैं थोड़ा आगे तक कंटिन्यू करूँगी. लाइक इट्स नॉट जस्ट आज का व्लॉग. आई ऑल्सो टेक यू गाइज टू आवर स्टेकेशन एंड देन व्हेन आई गो टू द एयरपोर्ट और वो सब का व्लॉग मैं इसी व्लॉग में डालूंगी. सो स्टे ट्यून्ड एंड अभी मैं आपको सबके आने के बाद मिलती हूँ. बाय. पर एक लुक्स से तब का बात याद आ गया जो भी आई थी वार्डरोब और ये सब जब मैंने बनवाई थी और सब मेरे यहाँ पे ही हॉल में ही पड़ा था और हॉल से वो हो रहा था और आज ये बबल रैप होके वापस जा रहा है. जितने बैग में रख सकती थी अपने मेन में मैंने रखे. That's my mirror. और अभी पता है मैं दो बार जाके उधर चली गई अपनी शक्ल देखने एंड आई रियलाइज शीशा जा चुका है. मेरी आवाज़ आ रही है ना. पीछे पूल व्यू भी है हमारा नेचुरल पूल व्यू. तो मैं ना तंजील को ये बता रही थी कि अभी तक 2-3 दिन पहले तब तक मैं रूम टॉप भी बना रही थी. इसको ये पता थी कि लिट नहीं हो रहा है कि अभी कुछ ऐसा है. हो सकता है शिफ्टिंग डे पे ऐसा हो जब फ्लैक हो जाए रूम खाली हो जाए. और अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ बस काम कर रही हूँ फिर वापस आके नहीं आना ऐसा लग रहा है. तो अगर कुछ काम कर रही हूँ तो काम करता आके कुछ चेंज नहीं होना है. बट और अभी संकेत उठा ही नहीं है. संकेत जब उठेगा और वो बाहर निकलेगा और ये सोया नहीं है. बताओ कैसे मतलब मैं 8 बजे उठ गई थी और इसका मुझे मैसेज आया पता नहीं 9:30 बजे क्योंकि इसको बताया था. तो मुझे पता था ऐसे ये सोया नहीं होगा. फिर ये भी नीचे आया थोड़ी देर में जब क्योंकि बहुत थोड़ा मेजर सीन है और मतलब और यूजुअली आजकल सबका स्लीप लेट हो गया. जल्दी सोने चली गई थी. जल्दी मतलब 2:30 बजे का जब मैं फिर 6 बजे जो मेरा यूजुअल टाइम है सोने का मैं सोने जा रहा था. फिर मैंने कहा नहीं थोड़ा भी मॉरल सपोर्ट के उठते ही उसको मैं डब्बा करना है. सो रहा तक उसको पता चला उसको 20 लोग हर जगह फैले हुए हैं पूरे घर में. रूम की हालत कुछ ऐसी ही चल रही है. पर्दे भी उतर गए हैं अभी बहुत मैसी है और ये जो यहाँ पे निकला से इतना मिट्टी. इस कार्टन में अकेले मेरे बैग्स हैं तो जो जो मैं लेके जा सकती हूँ मैंने अपने सूटकेस में डाल दिया ऑलरेडी. ये काम मैं कल कर चुकी थी प्रेप. सो ये मेरी हैंड बैग्स हैं. सो वी आर राइट ये ले ऊपर से ले नीचे अंदर मत. ये सबसे पहले मेरा आई लुक फॉरवर्ड टू दिस कार्टन द मोस्ट. सबसे पहले यही अनबॉक्स करूंगा दिल्ली से. स्टार पाते चलो स्टार दे रही हूं बस बॉक्स को. मॉर्नो गुड मॉर्निंग. कैसा लग रहा है तू? आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है कि आप जा रहे हो? आप मेरे दीवार के साथ कैमोफ्लेज हो रहे हो थोड़े. डब्बों के बीच खड़े इंस्पेक्शन कर रहे. क्या बोलूंगा मतलब क्या ही बोल सकता हूं मतलब. बोलिए आपको सुनना चाहता हूं. लास्ट पर्सन जो अपनी फीलिंग्स बताएगा. दैट्स ट्रू. आई अंडरस्टैंड. इट्स लाइक जॉय वुड से इट्स द एंड ऑफ एन एरा. द एंड ऑफ एन एरा. जब चैंडलर और जोई चले जाते हैं अपना रूम चेंज करके और वो अलग फिर वो वहां पे कलप है. आज भी अपने को लग रहा है वो वापस ही जाना है. मेरे को पता चले एक दिन आशी मुक्त है. संकेत मैं क्या बोल रही थी कोई ब्रोकर पता है क्या?
गाइस अपडेट, दे हैव गॉन फॉर लंच एंड मेरे पीरियड्स आ गए यार। कौन सा दिन है पीरियड आने का भाई, मतलब चुन के अभी कल हम जा भी रहे, मैंने कहा कि मैं पूल जाऊंगी, ये जाऊंगी, वो जाऊंगी, क्योंकि मुझे जो दर्द हो रहा है वो अलग, क्योंकि तब से मैं कल भी खड़ी हुई थी, जब मैंने अपना ड्रॉर्स ऑर्गेनाइज करे तब मैं ज़मीन पे बैठी करी, तो मेरे को ऑलरेडी लोअर बैक बहुत पेन हो गया था, क्योंकि मैं 3 घंटे से ज़मीन पे बैठ के ही कुछ ना कुछ कर जा रही थी और मेरा गंदा पोस्चर, तो अब क्या ही कर सकते। दैट्स दैट, एंड आज पीरियड्स और आ गए तो अभी पेन प्लस पेन हो चुका है। तो गाइस दिस इज द करंट अपडेट, आईकेयर ड्रॉअर है मेरा, बैग आने की खाली हो चुका है, वहाँ से डेकोर पीसेस खाली हो चुके हैं। अगर आप इनको नहीं पता मैं किस क्या कर रहा हूं, मैं पिछले रूम पर देख सकते हो, दीज आर द बॉक्सेस फ्रॉम माय रूम, मेरे सारे सामान है, पूरे का साइड टेबल का जो एग्जांपल जाना है, तो काफी हद तक हो चुका है। वार्डरोब रूम से थोड़ा सा और सामान जाना है, बट आई केप्ट एसी फॉर द लास्ट सो दैट वी कैन वॉक इन, थोड़ा सांस में हम बहुत गर्मी में मर जाते हो चुका है सब कुछ। जो मुझे फ्लाइट में लेके जाना है, ये सूट के साथ जो मैं पोर्टल में भेज दूंगी, क्योंकि काफी लोग हैं। सारे परफ्यूम बबल रैप करा के मैंने ये वाले सूटकेस में रख दिए, कि ये सूटकेस मेरे साथ वैसे भी नहीं जाना है। ये बैग में सिर्फ परफ्यूम्स हैं एंड एक दो मेरे बैग हैं जो दूसरे कार्टन में फिट नहीं है, तो मैंने इसमें डाल दिए। इट्स लुकिंग, बाकी पैक हो रहे हैं, ये खाली हो चुका है ऑलमोस्ट, ये मेरा जा चुका है बाहर, शीशा मेरा जा चुका है बाहर, ओमकार इज शूटिंग अस टुडे, टी के इज हेयर फॉर मोरल सपोर्ट। गाइस इट्स ऑल डन, गॉन गॉन गॉन, जस्ट These two boxes are left. ये अभी दूसरे बॉक्स में शिफ्ट होके ये रीपैक होना है, ट्रक में लोड होना भी स्टार्ट हो चुका है। नॉट एबल टू प्रोसेस इट, पता नहीं क्यों ऐसा, क्योंकि मेरे को एयरपोर्ट जाके ही ऐसे हिट होगा कि हाँ सच में ऐसा हो रहा है। उस जगह पर मेरे बाल बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं, तो है उस पर ना सॉन्ग इंस्टा पर डाला, आपका फेयर मिलाऊंगा सॉन्ग डाला, तो मैं खुद ही देख जाना, जबकि थी कोई स्टोरी नहीं, डब्बों की स्टोरी थी वो, फिर लिखा मैंने आपका फेयर मिलाऊंगा डाला, मैं वो देख देख के गाना सुन सुन के मेरे को आंसू आ गए तीन बार अपनी स्टोरी देखिए, 3 बार से बनूंगी। मुझे बहुत लोग बोलते हैं आप जा ही क्यों रहे हो, अगर आपको इतना है तो जा ही क्यों रहे हो। दिल्ली से जब आई थी मैं यही सोच के आई थी कि मैं 1 साल के लिए आ रही हूँ, फिर भी मैं 3-3.5 साल रहेगी यहाँ पे, और ये अभी नहीं तो बाद में होना ही था। दिस वॉज एन समथिंग दैट कुड लाइक बी रूल्ड आउट ऑल टुगेदर एंड सोनर और लेटर। ट्रक का साइज थोड़ा कैजुअल है मेरा, इतना सा बारिश हुई है तो मेरा कैमरा बारिश हुई है तो, बट एंड लुक मुझे किसने सरप्राइज, मुंडी ऊपर दिखा, दोनों छुपा के रहे मुंडी यार। और कशिश मिस्टर, मैं भी नहा नहीं हूँ, I was not coffee ke bina hu yaar main, so sorry man, sorry but you look very pretty, especially delhi se bombay aaye hain mere sath delhi wapas jane ke liye, dekhte hi hote hain dost guys hain tumhare aise। As you saw main niche truck mein sab abhi bhar gaya and I have come back to my house and I'm sitting in Sanket's room because mera room to ujad chuka hai, kuch hai nahi wahan baithne ke layak। But I need to mention this that I did the shifting with this company called Shift Karado, very convenient, hello Shift Karado, please Shift Karado, but it was really convenient। उन्होंने एक एक चीज़ ना, मैं बहुत पहले डाइसी थी मेरे बैग्स को लेके स्पेशली, तो बट उन्होंने पहले उनको शीट रैप किया एंड देन एक एक चीज़ को बबल रैप किया, जो मैंने उनको बोला कि बबल रैप कर दो, तो उन्होंने प्रॉपर अच्छे से बबल रैप किया, देन दे डिड 2 coatings लाइक प्रॉपर, 1 cardboard coating एंड अनदर कार्डबोर्ड कोटिंग, मुझे बहुत सही लगा। आई विल परस्यू दिस द सेम कंपनी फॉर माई नेक्स्ट शिफ्टिंग्स अगर कुछ होती है कभी तो लाइफ में, बट आई रियली लाइक इट, सो शाउट आउट टू देम। ऐसा काम वाम कर रही थी बट अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत एग्जॉस्ट हो गई हूँ, स्पेशली बिकॉज ऑफ माई क्रैम्प्स, मैं बहुत इरिटेटेड हूँ। सो भाई आई एम गोना टेक अ लॉन्ग शावर एंड देन आई एम गोना रेस्ट, आई सी यू गाइज इन अ वाइल और मे बी टुमारो व्हेन वी लीव फॉर आर शॉर्ट वेके, बाई। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द नेक्स्ट डे, एज आई टोल्ड यू गाइस कि आज हम जा रहे हैं छोटे से एक स्टेकेशन पर, एक गाड़ी ऑलरेडी निकल चुकी है, ये ऐसे ही है मेरे ब्लॉग्स और मेरी जिंदगी में ऐसे जानबूझ के हो गया था, बट वी आर ऑल रेडी, हमारे एस्थेटिक्स थोड़ा मैच नहीं हो रहे क्योंकि चौहत एकदम चढ़ रेडी हो चुकी है, क्योंकि मैंने कल हमारे ब्रीफ हेयर डिस्कस हुआ था बट सुबह मेरे से क्रैम्प्स में नहीं हो पाया, तो मैंने पजामा पहना है और टी शर्ट पहनी है, वो भी संकेत की उधार मांग के मांगे अंकुर में सेम है, फुल कर दो पेट्रोल, उसने भी जीन्स पहनी है अनलाइक यू, इधर ऋतिक लग रहे हैं। वी हैव रीच, कितना सुंदर है भाई, ब्यूट्स अनलाइक यू, छोटा सा हमारा सामान एक गाड़ी का, बाकी लोग पहुंच चुके हैं, बट कितना ग्रीन है, मजा आ गया, काफी ज्यादा सुंदर है भाई पूल भी, और बाहर धीमी धीमी बारिश हो रही है तो अच्छा लग रहा है, ब्यूट्स। Thank you.
स्लीप डिप्राइव. आप कितने सोए हो? अच्छा आप भी कम सोए हो. तो बर्बाद हो रहा है ये. बिल्कुल नहीं सोया लड़का. बाकी का मानव का है गायब. जल्दी थैंक यू यार आपने दिलाया मेरे को. थैंक यू. अब तो अब मैं जा रही हूँ पर अब क्या फायदा. हम यहाँ पे अच्छा ये आपने उस दिन क्यों किया जब मैंने डब्बे भिजवाए. यहाँ भिजवाती हूँ मैं डब्बे. बिल्कुल भी नहीं. सबको नहीं दिखा सकते. रुको फाड़ लो. सबको दिखा सकते वैसे मतलब व्लॉग में. उन्नति को मैंने 2-3 ट्रिप्स पे फालतू के लेटर्स दिए हैं. उन्नति ने फुकरत मतलब अपने फोन में रखा था. और वो स्टिकी नोट था. स्टिकी नोट पे कुछ तो लिखा था गलत सा पता नहीं क्या. अभी हम सब जा रहे हैं कुछ खाने क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लग रही है एंड ज्यादा कुछ नींद भी नहीं मिली है. नींद में फिर से यहाँ पे भी बारिश हो रही है पता को पटपट पटपट हो रहा है. बाकी एक कार अभी इससे लानी रहती है एंड नवीन रात में ज्वाइन कर रहे हैं उसका कुछ इवेंट था. रूम एंड हमारा कनेक्टेड रूम है टू रिशु. और वो तो आए नहीं अभी. और कशिश तो यहीं पर. रिशु आया नहीं अभी. बाथटब है यार. महा इडियट इज हियर. आप मेरे बहुत टाइम से व्लॉग्स में नहीं हो रिशु. हम फ्रेंड्स नहीं एनीमोर. एक हम पूरा टाइम दिल्ली में भी दिखने वाले. दिल्ली में झूठ. ये दिलासा. हाँ किसकी आया वंडर. किसकी है? थोड़ी पार्टी पार्टी प्रॉपर बने. सब आ चुके हैं फाइनली. आधे ही चबाने लग गए. चलने लग गए. हेलो सेम टू यू. हाथ धोने आए थे हमारे पीछे पीछे आ गया फिर से पारी पारी की क्योंकि हमने उसको पारी पारी लेने आए हैं. वो तू अब वो हाथ धो के आ गया तो अभी उसको कि तूने क्यों नहीं की वापस उसको पारी क्योंकि वो हाथ धो के हाथ धोने आई अंदर तक आ गया. बेटा अब हम हाथ धोएंगे खाना खाएंगे ना आपको पारी कर. ओ माय गॉड वो मेरे को हैंड दे रहा है. खाना टाइम अर्जेंट. सैंडविच मेकर टूट गया. हेल्दी. ये तो हेल्दी है. मैं तो वही खा रही हूँ सबसे हेल्दी चीज ऑन द. Really? I don't think so. बड़ी प्रॉपर्टी है कि हमें पहले रेस्टोरेंट से यहाँ आने के लिए गाड़ी में लेके आए वो लोग जो कि यहाँ रिजॉर्ट की कार है और फिर अब रिसेप्शन से बग्गी में रूम तक जाना है. तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है. अब एक बार से कार जा रही है फिर हम इसमें बैठे. क्यों कीचड़ में as usual, very belongs. आप वो सिंघाड़ा सिंघाड़े कीचड़ में उठते हैं. कब आई हवा में. ये देखो क्रिश्चियन डियोर. ये बैक वेंचर एडवेंचर सबसे पीछे वाले सीट सबसे मजा आता है. उल्टे भागो चले. उल्टा भी मिले. रन 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 रन. हम खाना खा के आ गए थे फटाफट रूम में वापस एंड आधे लोग सोए भी नहीं हुए रात भर. आई हैव स्लेप्ट बट आई स्लेप्ट फॉर
3-4 hours एंड उससे पहले भी मेरे को बहुत कम नींद मिलती पिछले दिन क्योंकि मेरे को सुबह पैकिंग वगैरह उठना था और पैकिंग के बाद तो मैं इतना एग्जॉस्ट हो गई थी स्पेशली मतलब क्या कहते हैं चेरी ऑन टॉप तो देख लो कि मेरा पीरियड्स भी उस दिन आ गए और मेरे को लास्ट 6 months में इतने पेनफुल क्रैम्स कभी नहीं आए पता नहीं क्यों इतना मुझे हुआ पेन किलर ली आज क्योंकि मेरे से तो नहीं हो पा रहा था अब मैं जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बाथटब है तो मैं तो जा रही हूँ पता ही है आपको जहाँ मेरे बाथटब देख लिया अगर मैं थकी हूँ मैं ऐसा फील करूँ तो गर्म गर्म पानी में बड़े आराम से लेटूंगी एंड उसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे बिकॉज जैसे कि मैंने बोला आधे लोग नहीं सोए हुए एंड देन वील गो फॉर वाइन टेस्टिंग एंड देन रात को पार्टी करेंगे सो सी यू लेटर बाय बाय I think the girls will be excited about the rules. They think that they're gay. So stupid. Fruity. It's the taste. So, on nose you will get fruity. It's so big. How is it better? पांच मिनट जल्दी आएगा यहाँ पे कोई है नहीं अभी है 5 मिनट हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर उन्नति हैप्पी बर्थडे कैसे सांस गुड मॉर्निंग गाइस सो इट्स द नेक्स्ट डे एंड जैसा कि आप देख सकते हो हम लोग हो चुके हैं रेडी अभी सब अपने अपने रूम्स में ही हैं क्योंकि कल हमारी हैवी पार्टी हो गई थी तो सब लेट लेट सोए मेरे को बहुत टाइम से मन था टू डू लाइक अ प्रॉपर बॉलीवुड पार्टी एंड कल हमने फुल बॉलीवुड गाने बजाए हैं बहुत डांस करे हैं एंड बहुत मज़ा आया बहुत शोर मचा रहे हैं पीछे लड़के बहुत शोर रुक जाओ जरा मैं अभी ऐसे करके अपना टेढ़ी आंख से देखा तो मेरे बाल ना इस वाली धूप में एकदम कड़क धूप में तो बहुत वो वाला कलर दिख रहा जो खो गया था मेरा कलर जो मुझे लगता था कि अब जा चुका है आई डोंट नो कैमरा पे आ रहा है कि नहीं मैं इसके रिकॉर्ड करने के बाद चेक करूँगी बट आई सी दैट रेड वाइन बर्गंडी पर्पल डार्क पर्पल सब मिक्स एंड कल तो बहुत बारिश हो रही थी सुबह भी बारिश हो रही थी बट राइट नाउ इट्स वेरी सुनी सुनिया सुनिया आ रहा था एंड अभी हम जा रहे हैं बोलिंग यहाँ पे बोलिंग भी है एंड बोलिंग जाएंगे और एक और जगह कौन सी जाएंगे पिकल बॉल है यहाँ पे पिकल बॉल मैंने कभी खेला नहीं है बट वील ट्राई फी गो हमने तक एच बी डी भी है कल जिसकी हमने बहुत फुल पार्टी करी है सो येस दैट्स द अपडेट फॉर दिस मॉर्निंग अब मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में जब हम कुछ एक्टिविटी करने के लिए प्रस्थान करेंगे पापा वी केम हियर फॉर बॉलिंग बोलिंग यहाँ पे आर्केड है यहाँ पे बड़ी है मुझे टी सेरेमनी देख के मन करके थोड़ा चाय चबा ली जाए यार चबाली वबाली ठीक है कि जो ये हमारे साथ बहुत लेट आया था कल ये तो मेरे ब्लॉग में पार्टी नहीं आया थोड़ा चाय पियेंगे पहले हम गाड़ी देखने जा रहे हैं ये वाली टी के भाग जा रहे हैं आगे पॉज प्ले मर्च में रेस्ट ऑफ द गैंग बर्थडे गर्ल हाय आजी मिस बर्थडे गर्ल आफ्टर अ स्पा ये मेरे सारा हमेशा वो कर लेना मेरा कैमरा में एक गाड़ी कितने की होगी गैस करना जरा कोई भी एनी वन एंड ये तो मिस्टर बीन की है मिस्टर बीन बोल दिया था मैंने कोई गाड़ी होगी कौन सी किस कहाँ की लगी कितनी अपने साइज के अकॉर्डिंग बात किया कीजिए आप वही देखो क्या करा इसने इसी को यहाँ छोड़ जाएंगे इतने पैसे हम तो नहीं दे सकते जस्ट गॉट आउट ऑफ द आर्केड हमने यहाँ चाय से बहुत ज्यादा चाय पी ली मैंने तो दिन की तीसरी चाय पी चुकी हूँ बिल लेकर गई थी बट अभी हमारे पिकल बॉल बारिश इतनी हो रही है कीचड़ हुआ खुद का पिकल बना हुआ है पता नहीं कैसे जाएंगे और मेरा सर फट रहा है यार अब मैंने सर दर्द की भी दवाई ली है क्या हो रहा है मेरे साथ क्या करूँगी जम्प्स कर लूँ यहाँ पे ट्रैम्पोलिन में जंप्स कर लूँ मैं वो करता है कास्ट हट वो पूरा मेरा सर दर्द हो रहा है मैं ये सब करने बैठूँ क्या यहाँ पे अरे मजा आएगा आप करो मजे क्योंकि मैं बहुत लाउड स्पीकर हूँ व्हेन इट कम्स टू व्लॉगिंग नहीं जा सकता नहीं
2% यहाँ पे रहेगी अंदर, फिर पीछे जाने तब वो देख के गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे देख के इनको। नहीं नहीं पीछे उठाने में, और इसको तो स्पेशली खाने बैठे थे, मैंने शायद वो ब्लॉग नहीं किया, उसके बाद हम रूम में चले गए थे, फिर मैंने थोड़ा सा नैप ले लिया, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था और दवाई के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा था, सो नैप लेके मेरे को बहुत बेटर फील हुआ एंड देन वी केम फॉर डिनर। अभी बहुत सारा खाया है, अभी डेजर्ट एंड केक्स चल रहा है एंड कल वी गो बैक टू आवर रूम एंड चिल अ बिट, सो नाउ आई विल सी यू टुमारो। बट दिस इज यहाँ पे अभी कैसा था शाही टुकड़ा, किसने खाया अभी तक? बहुत टेस्टी है ना, मैं वो बहुत सही लग रहा हूँ। गाइस जिस मौसम में आए थे उसी मौसम में जा रहे हैं, ये देखो इतना अच्छा मौसम और वहाँ पे ऐसे पहाड़ों में क्लाउड्स आ रहे हैं, सब हो रहा है, सो ब्यूटीफुल। एवरीवन इज रेडी टू लीव। हमारे बाकी बॉयज तो सुबह ही रात में ही निकल गए थे अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि वो तो नाइट आउल्स हैं सोए बिना। वी आर फाइनली लीविंग एंड इट वाज अ वेरी 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 गुड प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा सुंदर प्रॉपर्टी थी एंड दो दिन ऐसा लगा था कि मैं किसी हिल स्टेशन में आई हूँ, सो दैट वाज फन। काफ़ी चिल ट्रिप था, ऐसा मतलब चाहिए था कुछ करने वाला नहीं, सिर्फ रिलैक्स करो, चिल करो, गेम्स खेलो, खाओ पियो, मजे करो, दैट इज़ व्हाट इट वाज ऑल अबाउट। नाउ वी आर हेडिंग बैक टू बॉम्बे, टुडे इज़ गोना बी माय लास्ट नाइट इन मुंबई। As tomorrow I have my flight, I'm flying in the evening, जिसके लिए मुझे दोपहर में जाना पड़ेगा एयरपोर्ट। कल मम्मी का बर्थडे भी है, आई विल सी यू टुमारो ओनली आई गेस, क्योंकि आज का कुछ व्लॉग करने ज़्यादा है नहीं एंड बिकॉज आई एम क्लबिंग ऑल दिस वीडियोज टुगेदर इन वन व्लॉग, सो आई थिंक इट्स गोना बी क्वाइट लेंदी व्लॉग आज ऑल्सो, कि आज कुछ खास ऐसा है नहीं, कुछ ऐसा मुझे दिखाने वाला तो मैं कर लूँगी व्लॉग, बट अदरवाइज आई विल सी यू गाइस टुमारो एट द एयरपोर्ट। बाय बाय।